यहाँ पर गांधी जी का चरखा भी रखा गया है, उनकी सीट वगैरह ना वैसे ही प्रिजर्व करके यहाँ पर रखी गई है। और बताते हैं सारे जो बड़े बड़े उनके कार्य थे ना वो यही रूम में बैठ कर करते थे। सैंडल्स है, चप्पल बोलते हैं जिसको, वो भी है, चश्मा भी है उनका। तो वो है ना 1917 से लेकर 1930 तक उन्होंने ये आश्रम में बिताया था। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में है ना मैं आया हुआ हूँ अहमदाबाद की ये गांधी आश्रम में। आप मेरे पीछे ये जो आप पूरा ये घर देख रहे हो ना, ये घर है महात्मा गांधी जी का। तो वो है ना 1917 से लेकर 1930 तक उन्होंने ये आश्रम में बिताया था। जितने भी हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे ना वो सारे इसी आश्रम की यहीं से किए थे। और इसी आश्रम का मैं अभी आपको ना पूरा टूर देने वाला हूँ। ये है ना अपने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर ही है। यहाँ पर मेरे पीछे आप ये तरफ देख सकते हो, ये तरफ है ना साबरमती नदी है इसके लोअर लेवल पर, और उसके सामने यहाँ पर ये है गांधी आश्रम। तो यार ये गांधी आश्रम है ना अभी विजिटिंग के लिए सबके लिए खुल गया है। ये है ना सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। तो देखो ये पूरा का पूरा है ना नया लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको रेनोवेट किया गया है क्योंकि ऑफकोर्स बहुत साल पुराना है, अभी तक वैसा सेम टू सेम नहीं रखा गया इसको। और ये वाला आप रूम देख सकते हो, ये रूम है ना अभी बंद है अंदर से, लेकिन ये वाला जो रूम है ना ये गांधी महात्मा गांधी जी का रूम है। यहाँ पर ये वाले रूम में ही वो रहा करते थे, लेकिन अभी लॉक करके रखा है ये रूम को। आप देख सकते हो वहाँ पर गांधी जी का चरखा भी रखा गया है, उनकी सीट वगैरह ना वैसे ही प्रिजर्व करके यहाँ पर रखी गई है। और बताते हैं सारे जो बड़े बड़े उनके कार्य थे ना वो यही रूम में बैठकर करते थे, उनकी मीटिंग्स वगैरह ना सारी यही रूम से वो किया करते थे। और फिर ये तरफ से हम जा रहे हैं, यहाँ पर ये है उनके किचन का एरिया। तो अभी तो देखो किचन जैसा ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये बाहर लिखा था किचन का एरिया, तो मतलब यहीं पर उनका किचन हुआ करता था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की जो कि वो सारी ये यूज़ किया करते थे। आप देख सकते हो पेन वगैरह रखी गई है उनकी, ये सारी स्पून वगैरह बहुत ही पुराने ज़माने की है, नाइफ वगैरह भी अभी तक रखी गई है उनकी। और यहाँ पर ये देख सकते हो सैंडल्स है, चप्पल बोलते हैं जिसको, वो भी है, चश्मा भी है उनका। फिर ये तरफ यहाँ पर स्टोर रूम लिखा हुआ है जो कि उसका दरवाज़ा भी बंद है। और यहाँ पर दूसरी सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पर चरखा भी है जो कि वो गांधी जी जो यूज़ किया करते थे, बाकी सारे पुराने बर्तन वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी हम चलते हैं ये तरफ से मैं आपको लुक दे देता हूँ। ये तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर ये पैसेज का एरिया है और सामने 2 रूम है। और फिर ये तरफ हमें ये कस्तूरबाज रूम देखने मिल जाता है जो कि गांधी जी की वाइफ थी। तो देख सकते हो अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो एकदम टिपिकल जो गांव के जैसा रूम रहता है ना उसी की जैसा ये रूम भी रखा गया है। और लेकिन ऑफकोर्स अभी इसको है ना वो रेनोवेट कर दिया गया है, पुराने ज़माने में जैसा था वैसा सेम टू सेम इसको नहीं रखा गया है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर आगे की तरफ। और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है गांधी जी के पूरे हिस्ट्री के बारे में। और ये तरफ हम देखते हैं, ये तरफ ये गेस्ट रूम जैसा है, ये रूम का भी आप ओवरऑल लुक देख सकते हो। तो देखो यही कुछ था ये वाले घर का ओवरऑल लुक। अभी मैं आपको यहाँ पर सामने की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि यहाँ पर है ना विनोबा भावे रहा करते थे, जो कि गांधी जी के आइडियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, तो वो ये वाले घर में रहा करते थे। वो है ना यहाँ पर 1918 से लेकर 1921 तक वो यहाँ पर रहा करते थे। ये देख सकते हो ये कुछ है ये वाले घर का ओवरऑल लुक। ये वाले घर को मैं देख के बोल सकता हूँ थोड़ा पुराने ज़माने का लग रहा है, लेकिन गांधी जी का जो घर मैंने दिखाया वो तो एकदम नया नवेला लग रहा था। तो यहाँ पर है ना गांधी जी करीब 1930 तक यहाँ पर रहा करते थे, और फिर 1930 में वो जब दांडी मार्च करने के लिए निकले थे वो भी यही आश्रम से निकले थे। और वो निकलने के टाइम उन्होंने ये प्रण लिया था जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी ना तभी तक वो ये आश्रम में कभी नहीं लौटने वाले। फिर देखो इंडिया को आज़ादी तो करीब 1947 में मिल गई, और फिर 1948 में उनका असासिनेशन हो गया। इसके ऊपर लोगों के ना बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस है, कोई इससे बात को लेकर ज़्यादा खुश भी है, कोई इस बात को लेकर ज़्यादा गम भी बनाता है, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। आपके जो कुछ भी थॉट्स हो गांधी जी से रिलेटेड मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से ना ये आश्रम वन टाइम विजिटिंग के लिए ठीक है, और फिर यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं आश्रम में। मैंने आपको ये वाला घर दिखाया वो एक था यहाँ पर, बाकी आगे की तरफ म्यूज़ियम वगैरह है, म्यूज़ियम में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। गांधी जी के हिस्ट्री के बारे में सारी ब्रीफिंग्स लिखी गई थी वहाँ पर, और गांधी जी जो सारे लेटर्स वगैरह लिखते थे वो सारे लेटर्स वहाँ पर थे। फिर यही सारी चीज़ें थी यहाँ पर ये गांधी आश्रम में। तो बस हम ये वाला ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल दैट टाइम गुड बाय।